अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हाई फ्लाइट्स वीडियो की जो थी, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दी हैं। दोस्त हैं काशी भट्ट साहब, हैं कज़न है मेरे, तो एक छत पे लेके आया मुझे आज दो फ्लाइट बर्ड्स के, मतलब इनको कासत, सील, ईरानी बहुत बहुत नज़र आए। सबसे पहले मैं इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे देखने में मिली है वो देखें। ये जाली है, ये मतलब जाल्स है, नेट है इसको कह लें आप। ये सारी लगा के इन्होंने छत पे बंद की हुई है, ठीक है। और परिंदे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, प्यारे, खूबसूरत हैं। वीडियो से जुड़े रहिए, मैं अंदर जाता हूँ इसमें लॉफ्ट में, फिर मैं जाकर दोस्तों को शो करवाता हूँ। अब तक जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अभी मैं ये फ्रेम में आ गया हूँ। ये देखें, ये बर्ड्स देखें आप सारे, माशाल्लाह बड़े अच्छे परिंदे हैं। ये काशी भट्ट साहब, आपने हाई साहब की वीडियो पे देखे होंगे। अस्सलाम वालेकुम काशी साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह, ठीक है। ये काशी भट्ट साहब मुझे छत पे लेके आए हैं। ये अंकल हैं जिनकी छत है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये अंकल हैं, इनके सारे बर्ड्स हैं। तो मुझे जो कि इतना ज़्यादा इनके बारे में नॉलेज नहीं है, ना मुझे पता है, लेकिन ये खूबसूरत चीज़ें हैं। ये अब वन बाय वन काशी भट्ट साहब से या अंकल से मैं पूछता हूँ कि ये कौन से बर्ड हैं, कौन से परिंदे हैं, इनको क्या कहते हैं, मतलब ये क्या, ये रेसर्स हैं, कासत इनको बोलते हैं, ईरानी बोलते हैं। बाकी ये जो भी हैं माशाल्लाह बड़े खूबसूरत किस्म के बर्ड्स हैं। तो काशी भट्ट साहब, ये लट्ठे हैं सारे क्या? ये सारे लट्ठे कबूतर हैं, दो चार के अलावा। अच्छा, इनमें कासत कौन से कबूतर है? कासतों का जो लॉफ्ट है ये सामने नीचे है, ये अंदर है। अभी धूप ज़्यादा है, अंदर अंधेरा आ रहा है। ये पहले आप ये सारे लट्ठों का शौक करें, तो फिर मैं आपको जो है कासत परिंदे भी दिखाता हूँ। फरीद भाई आ गए हैं, तो फरीद भाई से जो थोड़ा सलाम दुआ भी कर लूँ मैं, क्योंकि अभी आए हैं। फिर प्रॉपर तरह से तो ये फरीद भाई का शौक है, उनको एक एक चीज़ का पता है, उनसे पूछ। जी अस्सलाम वालेकुम फरीद भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए तो भैया, ठीक है आपके? मैं के फरीद भाई का भी शौक कर रही है। ये फरीद भाई हैं हमारे भाई हैं, रिलेटिव हैं ये भी। मैं खुद वैसे फर्स्ट टाइम आया हूँ इस छत पर, क्योंकि मुझे सब दोस्त जानते हैं कि मुझे हाई फ्लायर्स का शौक़ है। तो ये 100 वीडियो के बाद पहली वीडियो है ये जो लट्ठों की, दो फ्लायर्स की, जो मेरे चैनल पे अपलोड होगी इंशाल्लाह। तो बाकी ये आप देखें माशाल्लाह, ये देखें खूबसूरती, देखें यार खूबसूरत तो ये इंतहा के हैं। पहना केड़े ने है, खाल ने की इसराइली, ये जी बीच में इसराइली खाल है। जाओ एक करके इन्हों का नस्लों का, ए जरा ए केड़ा फैंसी, ये जी ये जो परिंदा देख रहे हैं आप, ये बहुत खूबसूरत है, ये फैंसी बर्ड है, इसको तुलसी कहते हैं। चलो जो नए जो पुराने हैं उनको तो समझ होगी, हमें नहीं समझ वीडियो बनाने वालों को ये कौन से हैं। और इनमें फरीद भाई जो जिनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है स्पीड में, ये मैना जाख है काले, मैना जाख। ये दोस्तों ये वाला ये मैना जाख, फरीद भाई कह रहे हैं ये मैना जाख हैं, ये सब उड़ते हैं। ये देखें ये जो है ये नेट, ये वो वाली नेट, ये जाली नहीं लगी हुई, ये नेट लगी हुई है जो बैडमिंटन में हम यूज़ करते हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त है, इन्होंने पूरी छत दी हुई है, इनको खुला हुआ है माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त है। और ये सब उड़ते भी हैं परिंदे इनके, ये मतलब देखें ये कोई ब्रीडिंग सेटअप नहीं है, ये सिर्फ फाइटर्स हैं सारे, ये उड़ाते हैं, कहते हैं ये फाइटर्स हैं सारे, ये कुछ टुकड़ियाँ आपस में लगती हैं, तो बस फिर ये उसी तरह के हैं। ये कौन सा फरीद भाई, ये जो ग्रे है, ये ग्रे वाला सिंधी है, सिंधी, हाँ सिंधी, ये सिंधी दबाज है। चले मैं फरीद भाई को कहता हूँ कोई दो चार परिंदे जो मतलब बड़े एंटीक अच्छे नॉमिनेट हैं। ये देखें इसके पाँव देखें आप कितने ब्लैक हैं, वो पकड़ें और उनका पकड़ के भी शो करवाते हैं।
ताकि दोस्तों को ज़्यादा रहनुमाई हो सके इनकी आँख क्या होती है, इनके पंजों की पहचान क्या होती है, पर कुंदे का क्या स्वभाव होता है। तो वो फरीद भाई से पूछते हैं, फरीद भाई को एक दो बड़ा अच्छा टॉप का परिंदा पकड़ें जो इनमें है, तो वो फिर दोस्तों को बताएं कि मतलब ये क्या चीज़ें हैं क्या नहीं होता। ज़रा मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा, फरीद भाई परिंदा फाड़ लैन, ये बड़े तेज़ ने, एडी छेदी काबू नहीं आते है आगे। चलो ये भी देख ही लेते हैं इनको कैसे पकड़ा जाता है, वीडियो को क्या स्टॉप करना। जी ये फरीद भाई ने एक परिंदा पकड़ा, फरीद भाई से पूछते हैं, फरीद भाई ये इसको क्या कहते हैं? जर्द बबरा खैरा। आंख दिखाएं जरा मुझे इसकी, आईज देखें दोस्तों, येलो आईज। इनका ये क्या हिसाब होता है, आप इनको अच्छे अच्छे परिंदे को कैसे देखते हैं? ये शायद वाले बात किसी का बात ये चीज हो। अच्छा आप इधर छांव में आए जरा, इधर वीडियो बड़ी अच्छी आएगी। ऐसे असल सबज परे होते हैं ना ये, सबज परे ये बड़ी पुराने शौकीन है, लेकिन ये है लो फ्लायर्स के शौकीन है। तो माशाल्लाह ये बड़े अच्छे परिंदे हैं इनके पास, इसको ये बड़ साहब, बड़ साहब कह रहे हैं कि ये इनकी क्या है बड़ जी, 60 साल पहले, 40 से 60 साल पुरानी नस्ल है। कहाँ से? पानीपत से चलती आ रही ये जी, इंडिया पानीपत से ये नस्लें चलती आ रही हैं, ये इतने पुराने शौकीन है। तो ये कहते हैं कि शायद ही अभी ये किसी के पास हों। फरीद भाई और पकड़े परिंदे कोई जो मतलब जबरदस्त अच्छे से। मेरी तबीयत थोड़ी सी संभली है तो मैंने कहा चलें आज इनसे शो करते हैं। ये क्या है प्रीत भाई? कमोलिया कचपरा। दोस्तों ये कोई कमोलिया कचपरा नस्ल है, ये भी बहुत पुराने कबूतर हैं, लो फ्लायर। ये जो वाइड है ये आप खींच के बनाए हैं ना? नहीं, ये जो ये देख रहे हैं ये सफेद आ रही है, ये जो ये खूबसूरत लग रहे हैं वाइड, ये क्या चीज़ है? ये पर खींच के आप बनाने पड़ते हैं खूबसूरती के लिए, ये कलर चेंज कर जाते हैं खुद। ये इनका जर्मन कलर ये है ना? हाँ हाँ। उसके बाद इनको ये इनकी नस्ल है, ये इनको खींच के वाइट करते हैं। दोस्तों ये आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी टिप है, वो कह रहे हैं इनका जो इस बर्ड का जो अपना कलर है वो ये जो ब्राउन चॉकलेट देख रहे हैं आप, ये कलर है, लेकिन ये वाइट जो है इनके परों को खींच के हमने ये बनाया हुआ। ये टिप है दोस्तों के लिए कि मतलब ये बनाना चाहें वैसे खींच के खूबसूरती के लिए। इसको छोड़ें ज़रा, ये देखें ये परिंदा या वाइट देख रहे हैं आप, वो ये इन्होंने खुद बनाया हुआ है कि बड़ साहब पकड़ के लाए हैं। ये भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत परिंदा, चूहे चंदन। दोस्तों ये देखें माशाल्लाह, आइज तो इनकी डार्क है, चूहे चंदन वो नाम इसका क्यों है, इसका कलर जो है ये ऊपर चूहे की खाल की तरह, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। छोड़े उम्मीद है दोस्तों को शौक अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो इनका इतना नहीं नॉलेज है, लेकिन चलें फरीद भाई रहनुमाई कर रहे हैं जितना भी बता रहे हैं। अच्छा फरीद भाई कासत एक दो पकड़ के दिखाएं दोस्तों को, कासत कबूतरों का बड़ा शौक होता है। ये रानी तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, दोस्तों मज़ा आ रहा है, उम्मीद है कि दोस्तों को शौक का मज़ा आ रहा होगा। बड़ साहब है काबरा। एक मिनट ना खोलना फरीद भाई, मैं ये वीडियो वाइंड अप करता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी घर के कासत कबूतरों का शो करवाऊंगा। अभी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जी दोस्तों ये लॉफ्ट है, मैंने कहा ये भी दिखा दूँ। अब मुझे इजाज़त दें, मैं कासत जो परिंदे हैं उनकी वीडियो बना लेता हूँ। अब तक जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज़।